जी हाँ भाई लोग, सही थंबनेल देखा है आप लोगों ने। मेरे 10 मंथ्स के रिजल्ट आ गए हैं पूरे के पूरे, जो कि मैंने खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और पूरी जर्नी यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे पहली बार बहुत लोग देख रहे हैं कि ये बंदा कौन है और क्या बातें कर रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि पहले मैं कुछ इस तरीके से दिखता था, मेरे सर पर बाल नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज था, मैं कुछ कर भी नहीं पाता था, कुछ बोल भी नहीं पाता था, कहीं आ नहीं पाता था, जा नहीं पाता था। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस तो करनी ही पड़ रही थी, बट मैं ये सोचता था कि मेरे लाइफ में मेरे सर पे कभी बाल आएगा। मैं क्या अभी जैसा अभी देख रहा हूँ वैसे मैं पहले इमेजिन करता था। तो आज मेरी लाइफ की बात करेंगे दोस्तों, मेरे 10 मंथ्स जर्नी की बात करेंगे, मेरे 10 मंथ्स के रिजल्ट की बात करेंगे, पूरी बातें होंगी आज, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भूपेंद्र राजपूत, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट मैंने खुद कराया है और ऑलरेडी मैं जर्नी बता रहा हूं, जो कि शेयर कर रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया, जिसमें आपको पूरी तरीके वीडियो मिल जाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड, चाहे हेयर शेडिंग हो, चाहे हेयर ट्रांसप्लांटेड हो, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ों से बचना चाहिए, ये सारे वीडियो पूरे आपको मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं। आते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पे। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि पहले मैं हेयर ट्रांसप्लांट के जो मेरी थिंकिंग थी, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेरे पूरे ऐसे ये ऐसे ऐसे बाल आ सकेंगे, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेरा सर सही रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, सर पे स्वेलिंग रहेगी हमेशा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा तो मेरी लाइफ बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरल हुए हैं यूट्यूब में वीडियोस, जिसमें कई पेशेंट की डेथ हो गई है, ऐसे बहुत सारे फर्जी वीडियो वायरल हुए हैं। मैं भी वो चीज़ें देख के बहुत परेशान था, बहुत दिक्कत थी, क्योंकि दोस्तों मैं भी बहुत लोअर मिडिल क्लास घर से हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँ और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बहुत सारे खर्चे होते हैं वो कर सकूँ। जस्ट लाइक PRP होता है, मिनोक्सिडिल्स लेने होते हैं, मेडिसिन लेने होते हैं, ये बाकी यूट्यूबर बोलते हैं कि ये सब लेने होते हैं, और वो चीज़ें मैं कैसे अफोर्ड कर सकता था। 15 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और 30,000 रुपये मेरे लगे। पुणे महाराष्ट्र से करवाया है, ये क्लिनिक का नंबर है, इस जगह से करवाया है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें, 30,000 रुपये मैं अगर खर्चा करता तो मेरे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं कि मैं आगे कुछ खर्चा करूं। काफ़ी सहमा डरा हुआ सा था, तो पहले मैं कुछ इस तरीके से दिखता था। ये देख सकते हैं मेरा बॉर्डलेस काफ़ी यहाँ तक चढ़ चुका था, वो आप लोग को सामने दिख रहा होगा। मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहूँगा पूरा 10 फोटोज़ दिखाना चाहूँगा अपने, जिसमें मैं टकला से मेरे सर पे बाल आते तक, वो आप देखिए दोस्तों। और मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट डालिएगा कि आपको ये फ़ोटोज़ कैसे लगे, मेरी जर्नी 10 मंथ्स कैसी लगी और मेरा रिज़ल्ट कैसा है। और ये आप देखेंगे उसके बाद मैं अपना सर पूरा दिखाऊंगा, कितनी डेंसिटी आई है मेरी, मेरे बाल की ग्राफ्ट क्वालिटी कैसी है और कैसी रही मेरी पूरी जर्नी, उसके बारे में और बात करेंगे। चलिए देखते रहिएगा। And imagine a utopia, darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down, my heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. And if I say it. दोस्तों ये रहा मेरा पूरा 10 मंथ्स का रिज़ल्ट, जो कि आपने देख लिया होगा। दोस्तों मैंने जो चीज़ें फेस की हैं वो चीज़ें आज आप फेस कर रहे हैं, टकलेपन से कॉन्फिडेंस लूज, टकलेपन से जॉब में परेशानी, टकलेपन से शादी में परेशानी और टकलेपन से पूरी लाइफ में परेशानी, जो कि आज आप फेस कर रहे हैं, मैंने फेस किया था। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा
कि जितना आप टकला रहेंगे आपकी कॉन्फिडेंस उतनी लूज रहेगी, उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा आगे चल के। आप ये सोचते हैं कि अगर आप टकले हैं तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये गलत बात है दोस्तों। प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शादी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ये सारी चीज़ों की। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर जी मुझे अभी शादी करनी है और मैं ट्रांसप्लांट करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, मेरे एक साल बाकी है सर शादी को, मेरे 6 महीने बाकी। तो दोस्तों वेट क्यों कर रहे हो आप? टकलेपन का सिर्फ एक ही इलाज है, हेयर ट्रांसप्लांट। इससे पहले मैंने मेडिसिन या हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा वीडियो बनाया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर 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 देखिएगा। ऐसा वीडियो है, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी दोस्तों, जैसी मेरी हुई आपने देखी होगी लाइफ में। दोस्तों अगर बाल नहीं है तो कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। बाल नहीं होने पे हम अपने घर वाले से अच्छे से बात नहीं कर पाते तो बाहर वाले क्या बात करेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, अगर थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो सोचते हैं कि सर पे बाल आएगा तो हमारे लुक्स ऐसे होंगे वैसे होंगे। तो सोचते मत रहिए दोस्त, जाइए और हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए जैसे मैंने करवाया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना पूरा 10 मंथ्स रिजल्ट कंघी करके। ये मेरे पूरे, इससे पहले मैंने 2 बार हेयर कट भी करवाई थी, उसके वीडियो भी आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देखिएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हेयर लॉन्ग होते हैं, हेयर कट्स करवा सकते हैं अपने लुक के हिसाब से। तो ये है दोस्तों, मैं पूरा दिखाना चाहूँगा आप लोग को। ये मेरा ये ट्रांसप्लांटेड जगह है, ये ऐसे पूरा ये हेयर लाइंस बनी है मेरी। ये देखिए कितनी बेहतरीन डेंसिटी मिली है मेरी, ये देखिए, ये देखिए, ऐसी डेंसिटी और ऐसी क्वालिटी आप भी पा सकते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू। चेंज कर सकते हैं मेरी तरह। आप ये मत सोचिए दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट का काम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। ये क्लिनिक नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिए, फ़ोटो सेंड कीजिए उनको, वो आपको खर्चे बताएंगे, आपको एड्रेस डिटेल्स भेज देंगे। पूना महाराष्ट्र का स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। आप स्टेशन में जैसे उतरते हैं ऑटो पकड़ के जाइए, क्लिनिक पर रहना खाना मेडिसिन एवरीथिंग पूरी चीज़ें फ्री है। और मेडिसिन से याद आया दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैंने कभी कुछ नहीं लिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। मैं इतना लोअर और गरीब घर से बिलोंग करता हूँ दोस्तों कि मेडिसिन के लिए कुछ पैसे बचते ही नहीं है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। वैसे आपकी भी हालत होगी, आप चाहते हैं कि एक बार ट्रांसप्लांट करवाएं तो वो हमेशा परमानेंट रहेगा दोस्तों। आप ये सोचते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट पे कोई दर्द तो नहीं होता है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं कितने दिन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मेरे जितने वीडियोस हैं मैंने जो कोई डाल के रखा हूँ वो देखिए आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही वीडियो मैं लेके आपके लिए और लाता रहूँगा। और आप प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार और पूरा डेंसिटी के साथ अपने हेयर लाइंस पास से दिखाना चाहूँगा। ये मेरे हेयर लाइंस है लास्ट तक, ये पूरे हेयर लाइंस है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। जो कि मेरी जर्नी रही है काफ़ी अप एंड डाउन रही है, लेकिन मैं अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। आप भी ऐसे खुश और सेटिस्फाई हो सकते हैं और ऐसे ही लुक पा सकते हैं जैसे मैंने स्ट्रेट खड़ा किया। आजकल जो कि लुक चल रहा है ये साइड साइड और सामने से स्ट्रेट ऐसा, और मैं चाहूँ तो इसको ये ऐसा कर सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, और पसंद होगा तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगे, और जिनके सर पे बाल नहीं है उनके लिए खास करके ये वीडियो है। आपके जितने भी दोस्त मित्र भाई
बहन, जो भी लेडीज़ हैं, जो भी जिनको बाल के रिक्वायर्ड है, जिनके सर पे बाल नहीं है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, या कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट कीजिएगा, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलता हूँ दोस्तों, रात आ रहूँगा, आपका भाई, आपका मित्र।